छत्तीसगढ़ के पूर्व सीओ नवनीत नायक के खिलाफ उनकी ही प्रेमिका ने रेप और धमकी का मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले के सामने आने के बाद से पुलिस महकमे के अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। सीओ नवनीत नायक की जुलाई 2019 में प्रतापगढ़ के पट्टी थाने में तैनाती हुई थी। सीओ को फेसबुक के जरिए एक युवती से प्यार हो गया। आरोप है कि सीओ के जरिए कई सालों तक शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया गया। बता दें, सीओ नवनीत नायक वर्तमान में शाहजहांपुर जिले में तैनात है, लेकिन युवती के आरोपों के बाद उन्हें शासन ने निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक को एक जांच दिया गया था, वही आरोप यह था उस समय सर्किल ऑफिस पट्टी है, उन्होंने किसी लड़की के साथ उनके संबंध था और वो उसके आगे वो शादी नहीं कर रहे थे, तो उसी पे एक एप्लीकेशन आई थी। उस एप्लीकेशन जांच कर शासन को भेजा गया था, उसमें उनके सस्पेंशन भी हुआ था। अब उसके साथ उस जाँच में प्रमोफेसी उसने सच पाने के बाद उसमें मुकदमा लिखने के लिए आदेश आई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में थाना पट्टी में 6 तारीख को मुकदमा लिखा गया अंडर सेक्शन 376, 504 एंड 506 में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है। इंस्पेक्टर पट्टी को दिया गया है इंस्पेक्टर।